नमस्कार, जयराम जी की। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड चुपर। प्रमुख किरानी दावेदारी कर रहे बीडीसी मेंबर की जन्मतिथि में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में चार जगह नाम है। बात करें झांसी की, बबीना ब्लॉक प्रमुख किरानी ने ताल ठोक रहे। क्षेत्र पंचायत सदस्य राज यादव ने जन्मतिथि में गड़बड़ी सामने आई है। वोटर लिस्ट में भी उनको नाम चार जगह पाओ। शिकायत के बाद बड़ी जांच में आरोप साबित होने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य की सदस्यता खतरा में पड़ गई और संघ में मामला में गड़बड़ी बरतने के आरोप में एक लेखपाल का निलंबित कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव भाजपा और सपा ने खोले पत्ता। जी हां, बात करें झांसी की, लंबी कवायद के बाद आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने पत्ता खोल दिए हैं। भाजपा ने पवन गौतम तो सपा ने आशा कमल खान जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित करो है। डाकू गौरी हो सकत है 5 लाख को इनामी। बात करें चित्रकूट के पुलिस किला ने सिरदर्द बनो 1.5 लाख रुपया को इनामी कुख्यात डाकू गौरी यादव। करीब 20 साल पहले अपराध की दुनिया में आओ। शुरुआत में वो छोटी मोटी वारदात का अंजाम दे तो वर्ष 2013 में दिल्ली पुलिस के दरोगा की हत्या के बाद वो सुर्खियों में आओ और अब सरकारी कार्य में कमीशन वसूलत है। उपे यूपी और एमपी में करीब 60 मुकदमा दर्ज है। चित्रकूट और सतना के पुलिस अधिकारी ने उनको 5 लाख इनाम घोषित करने की सिफारिश करी है। चित्रकूट और आसपास के जिला में कई दशकों से डकैतन को आतंक रहा है। ददुआ, ठोकिया, बलखड़िया, रागिया, बबली कोल और लवलीश कोल के मारे जाने के बाद अब पुलिस के सामने डाकू गौरी की चुनौती है। डाकू गुप्पा के संगे 2001 में अपराध की दुनिया में सरगना बनो डकैत गौरी यादव अब सरकारी कामकाज में कमीशन न मिलने पर ठेकेदार और मजदूर से मारपीट करत है। गाँव के पेयजल की जाँच कर जल्द भेजे रिपोर्ट। बात करें चित्रकूट की, एडीएम सुनंदु सुधाकरण ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता की जांच कर विकलाने फील्ड टेस्ट किट को जल निगम कार्यालय में निरीक्षण करो है। 2 ब्लॉक क्षेत्र में किटन को वितरण करो जा चुको है। एडीएम ने कही है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हर गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा विकलाने शासन की योजना पे काम हो रहा है। दबंगन ने मनरेगा को काम रुकवा प्रधान का धमकाव गो है। बात करें जालौन की, मनरेगा के तहत सहाव गाँव में चल रहे चक्रोड के निर्माण में प्रधान के विपक्ष ने मजदूरों के संगे गाली गलौज कर मारपीट कर दी। प्रधान की वहां भी मारने की धमकी दी और प्रधान ने मजदूरों के संगे कोतवाली पहुंच के पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मामला की जांच कर रही है। ईडीएम की जांच में चाहे थे अफसर भी। आज उरई की बात करें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का भेजी गई शिकायत के बाद डीएम प्रियंका निरंजन के निर्देश के बाद जांच तेज हो गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार ईडीएम का लाभ पहुंचाने वाले कुछ अधिकारियों के नाम भी जांच के सामने आ सकते हैं। फिलहाल संविदा कर्मी ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह के भ्रष्टाचार के 10 बिंदुओं वाली जांच के लिए डीएम ने एडीएम पूनम निगम और कोषाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। 4 प्रमुख चौराहा और पार्कन की बदल है सूरत। बात करें बांदा की, शहर के मुख्य चौराहे और बदहाल पार्कन को जीर्णोद्धार और चुंदीकरण हुई है जो काम विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापन निधि से करो जाए। विधायक प्रकाश द्विवेदी की पहल पे मंडलायुक्त ने प्राधिकरण को एक निर्देश दोगो। तीसरी लहर से बेखबर परिवहन निगम। बात करें बांदा की, कोरोना गाइडलाइन के पालन कर लेके अपर प्रबंधक निदेशक के सख्त निर्देशन का परिवहन निगम हवा में उड़ाई। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस तो बहुत दूर की बात। रोडवेज बसों में सफर कर रहे लोग मास्क तक नहीं लगा रहे। रोडवेज बसों में सवारी कर रहे लोग ऐसे भरे हैं जैसे भूसा की तरह भरे जा रहे। महामारी के दौर में बसों में हो रही लापरवाही से परिवहन निगम के अधिकारी अपनी आंखें फेर रहे। 45 प्रकार के श्रमिकों का मिल है योजनाओं को लाभ। जी हां, बात करें महोबा की, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को गठन करो है। बोर्ड ने पोर्टल भी जांच कर ली है और इस पे पंजीकरण कराने वाले 45 प्रकार के श्रमिकों का सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाओ जाए। श्रमिक की मृत्यु होवे पे परिजन का 2 लाख की सहायता दी जाए। दिव्यांग होवे पे सरकारी खर्च से इलाज हुई है। उप श्रमायुक्त चित्रकूट धाम मंडल राजीव कुमार सिंह ने पत्र जारी करके बताया है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जैसे धोबी, नाई, दर्जी, कुमार, रिक्शा चालक, ठेला चालक, फुटपाथ व्यापारी, रसोईया, टेंट में काम करने वाली कुली, ऑटो चालक, फेरी लगाने वाले, हॉकर चरवाहा, सब्जी और फल विक्रेता, खेती और मजदूर समेत 45 प्रकार के श्रमिकों के लिए योजना को लाभ दिलावे के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को गठित करोगा है। उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेसियों को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। बात करें महोबा की, कुरैसी समाज के उत्पीड़न के विरोध में गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करके अतिरिक्त एसडीएम का 5 सूत्री मांगन को ज्ञापन सौंपा। इनमें बंद पड़े स्लॉटर हाउसन का आधुनिक तकनीक के संगेत
चालू कराने की मांग करी गई। ऐसे ही खास और फटाफट खबरों के लाने बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे जयराम जी की जय बुंदेलखंड।